हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप बच्चों सभी लोग ठीक ठाक होंगे? ठीक होंगे। अभी आप लोगों को हमारे संस्था के तरफ से थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में ही जो दिक्कतें आई, क्लास ऑफ करना पड़ा। कारण आप समझ ही गए होंगे। मॉर्निंग के क्लास में अमन सर आपको बताए होंगे, ज्योग्राफी के टीचर हमारे। तो इस प्रकार से आज के समय में देखा जाए, आज स्थिति सुधर गई है, और जो भी परिस्थितियां ऐसी आई, आप लोगों को दिक्कत हुआ, उसके लिए बहुत बहुत खेद हम सभी टाइम्स के टीम्स को। लेकिन टेक्निकल कुछ ऐसे होते ही हैं जो कभी भी, और दिक्कतें आ सकती हैं। तो दिक्कतें आने का कारण वही था, ट्रैफिक ओवरलोड हो जाना। लेकिन अब मुझे चांसेज है ऐसा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी अपने को एडवांस सिस्टम किया गया। ठीक है, तो इसी के तरह इसी के साथ हम लोग चलते हैं, आते हैं हम लोग अपने विषय। जैसा कि आपको बताया गया होगा, आज आपका क्लास होगा पॉलिटी का, राजव्यवस्था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इन दोनों में रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, प्रणाम आप सभी को, जय प्रकाश जी। सभी को बहुत बहुत अभिवादन, और इसी की तरह से सभी को टाइम्स कोचिंग की तरफ से वेलकम, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। और नेक्स्ट पॉलिटी, राज व्यवस्था। पॉलिटी, राज व्यवस्था। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इस पर हम लोग बात करें, और फिर आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछा गया क्या होता है, तो ब्रीफली कम शब्दों में, संक्षिप्त रूप में एग्जैक्ट आप बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के संपूर्ण प्रोविजन का सोर्स होता है। संविधान किसी भी देश के संपूर्ण व्यवस्था का स्रोत होता है। ये संविधान है। और पॉलिटी क्या है? कम वर्ड में एग्जैक्ट ऐसे बोलिए, डे टू डे, दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट जो भी पब्लिक के लिए व्यवस्थाएं देती हैं, दैट इज पॉलिटी, राज व्यवस्था। यानी भारत राज, इंडिया स्टेट, भारत के पब्लिक के लिए, भारत की जनता के लिए दिन प्रतिदिन जो भी व्यवस्थाएं देती हैं, उसी को कहा जाएगा राजव्यवस्था। क्योंकि भारत राज्य की व्यवस्था है, इसलिए उसको कहा जाता है राजव्यवस्था। अब आइए हम लोग दोनों में डिफरेंसेस, दोनों में रिलेशन पर बात करें। देखिए, डिफरेंसेस की हम लोग बात करें, तो फर्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है। यानी संविधान की एक निश्चित संरचना होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। बट ध्यान दिया जाए, किसी भी नॉलेज, किसी भी ज्ञान के फेवर में अगर इविडेंस, प्रमाण नहीं है, तो ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। तो सबसे पहले जो बात मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसके फेवर में मैं इविडेंस देना चाहूंगा। और उसके बाद डिफरेंस में मैं बोलूंगा कि पॉलिटी का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। तो नंबर फर्स्ट, संविधान की निश्चित संरचना होती है, जबकि राज व्यवस्था, पॉलिटी की कोई फिक्स स्ट्रक्चर, निश्चित संरचना नहीं होती। मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स स्ट्रक्चर होने का इविडेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट होते हैं, संविधान में भाग होते हैं। तो इनके पार्ट्स होते हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा। ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, ये इनके इविडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर होने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में ये होते हैं शेड्यूल्स, यानी हिंदी में आप बोलेंगे अनुसूचियां। ये शेड्यूल्स, अनुसूचियां कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाए जाते हैं आर्टिकल्स, यानी आप हिंदी में कहेंगे अनुच्छेद। ये होते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था यहां पर दिया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फिक्स स्ट्रक्चर होने के
निश्चित संरचना होने के प्रमाण यहां दिए गए, और प्रमाण में आपने देखा इनमें पार्ट्स हैं, इनमें शेड्यूल्स हैं, इनमें आर्टिकल्स हैं, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के एक फिक्स स्ट्रक्चर निश्चित संरचना होने के एविडेंस है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी की कहा जाए, मानव शरीर का कहा जाए, इनके स्ट्रक्चर होने का एविडेंस क्या है? एक्सटर्नली देखा जाए तो आंख है, कान है, नाक है, आर्म लेग, और आर्म में हैंड, हैंड में फिंगर, ये सभी स्ट्रक्चर होने के एविडेंस है। तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर होने के सारे ऑर्गन मैंने बताया एक्सटर्नली, ये एविडेंस है, उसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर होने के एविडेंस है। कोई भी व्यक्ति शेड्यूल्स आर्टिकल्स एटसेट्रा बात करना शुरू किया तो आप समझ गए ये व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फिक्स स्ट्रक्चर निश्चित संरचना होने का एविडेंस क्या है? इनमें आर्टिकल्स हैं, इनमें पार्ट्स हैं, इनमें शेड्यूल्स हैं। बट इसी तरह से आर्टिकल्स, इसी तरह से शेड्यूल्स की बातें ये पॉलिटी में, राज व्यवस्था में नहीं है। इसलिए कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, बट पॉलिटी का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर होने का जो एविडेंस आपने देखा, पहला डिफरेंस आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स स्ट्रक्चर होता है बट पॉलिटी का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। अच्छा, तो सुदर्शन जी का कमेंट जरा देख लिए जाए, एनी बॉडी प्लीज रिस्पॉन्स, इज देयर क्लास स्टार्टेड और बफरिंग, क्या कहना चाहते हैं सुदर्शन सर? नोट्स बनाने पड़ेंगे या आप पीडीएफ दीजिएगा? बिल्कुल आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हैंडराइटिंग एंड प्रिंटेड, प्रिंटेड जैसा भी उचित होगा आपको नोट्स मिलते रहेंगे। हर टॉपिक से संबंधित डिटेल नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, क्लास ज्वाइन करना है, आप अपने मोबाइल पर क्लास को सुनना है, जो डाउट है पूछ सकते हैं, अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, डिटेल नोट्स आपके मिलेंगे। प्रिंस का भी थोड़ा सा देख लें विचार, इन्होंने लिखा है सर थोड़ा स्लो चले। ठीक है प्रिंस, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं और बिल्कुल स्लो ही चल रहा हूं। कहीं पर भी आपको लगता है समझ में नहीं आया तो आप अगेन पूछ सकते हैं, स्लोली अगेन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको क्लियर करके ही मैं निकलूंगा, बट अपने डाउट जो प्रॉब्लम हो रखते जाएंगे और मैं स्लोली चलूंगा, टेंशन ना लीजिए। शिवम का विचार देख लें, शिवम जी का कहना है कि सर चल नहीं रहा है। क्या नहीं चल रहा है? सबका तो चल रहा है। तो शिवम व्यक्तिगत आपके मोबाइल में कोई डिफेक्ट होगा, बाकी सभी के प्रॉपर चल रहे हैं, कोई क्लास दिक्कत नहीं है। जय प्रकाश जी का भी विचार देखते हैं कि क्लास इज रनिंग भाई, तो अपने भाइयों को ये मैसेज दे रहे हैं क्लास रनिंग हो गया है। आइए अब हम लोग बातें करते हैं। अमित कुमार जी कह रहे हैं, अमित सिंह राठौर, हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कीजिएगा। अमित जी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, दोनों में मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलें आगे बातें करें। तो आगे फर्स्ट डिफरेंस मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है बट पॉलिटी का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस हम लोग कहेंगे कि पॉलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी पाई जाती है बट कॉन्स्टिट्यूशन के कंपेटिबली पॉलिटी क्या है? मूवेबल है, चेंजेबल, परिवर्तनशील है। और पॉलिटी से कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन को करें तो आप कहेंगे कि पॉलिटी के कंपेटिबली कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन के कंपेटिबली पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी बहुत ही डायनेमिक है, चेंजेबल, परिवर्तनशील है। यहां पर भी दोनों में डिफरेंस है, और यहां भी कुछ एविडेंस एग्जाम्पल देकर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे सपोज कर लीजिए ऑफलाइन क्लास है, आप हमारे लेक्चर में सभी लोग आ गए, क्लास ज्वाइन किए, जिस साइड से भी लेक्चर में आए सब कुछ पीसफुल शांतिपूर्वक था, क्लास एंट्री आपकी है 3:30 बजे, जब आए सब कुछ ठीक था, 5 बजे जब लेक्चर हॉल से निकले तो बाहर अनाउंस हो रहा है, अनाउंसमेंट क्या हो रहा है? कर्फ्यू लग गया है, रेड अलर्ट, 4 से ज्यादा लोग एक साथ मूव नहीं कर सकते, डंडे चार्ज करने, गोली चार्ज करने की भी व्यवस्था कर्फ्यू में होती है। इस तरह से अब ताजू में पड़ गए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिस क्षेत्र में लेक्चर हॉल है, क्लास चल रहा है, उन क्षेत्रों में कुछ जगह बम विस्फोट हुए, कोई आतंकवादी ग्रुप, कोई
टेररिस्ट एसोसिएशन ने बम विस्फोट किए और इस कारण से स्थिति को संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया गया, रेड अलर्ट सब कुछ किया गया, यानी देखा गया तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग राजव्यवस्था पॉलिटी में चेंजिंग होती है। जब जैसी परिस्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग मूवेबल चेंजेबल परिवर्तनशील होता है कौन, पॉलिटी। बट कॉन्स्टिट्यूशन की देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने देखा जब परिस्थिति बदली तो कर्फ्यू लग गया, रेड अलर्ट, दिल्ली में ऐसी घटना हुआ इसलिए दिल्ली की सीमा को सील कर दिया। प्रशासन ने इसलिए दिल्ली की सीमा को सील किया कि जो भी आतंकवादी पार्टिसिपेट किए हैं वो बच के न जा सके, पकड़े जा सके, पनिशमेंट दिया जाए। और सेकेंड डे दिल्ली की पुलिस ने एक टेररिस्ट को जीवित पकड़ने में सफल रही, उससे बातचीत किया अच्छे से, दो और टेररिस्ट का एड्रेस बता दिया और वहां पर पुलिस जब पहुंची तो एक गोली का शिकार हुआ, मार दिया गया, एक घायल हुआ, जीवित पकड़ लिया गया। तो इस तरह से दो जीवित मिल गए, इन दोनों से पूछताछ चल रहा है, तीन और आतंकवादियों का एड्रेस बता दिया, जबकि टोटल टेररिस्ट इन्वॉल्व हुए थे 6, तो एक मारा गया, दो पकड़े गए हैं, 3 का एड्रेस बताए, उसमें से भी 2 मारे गए, 1 पकड़ा गया। और तीनों जो जीवित हैं इनसे बातचीत हुआ, पुलिस को बता दिए किस टेररिस्ट एसोसिएशन का ये काम था, ये सभी कुछ क्लियर हो गया और सभी आतंकवादी पकड़े गए, कुछ मारे गए। उसी के साथ दिल्ली की सीमा जो सील थी ओपन कर दी गई, कर्फ्यू जो लगा था समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे इन 2 दिनों में कितने चेंजिंग हुए, वो सारे चेंजिंग यहां, कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू हटाया गया, सीमा सील, सीमा ओपन, सब कुछ हुआ चेंजिंग यहां पर। इन 2 दिनों में यहां कोई चेंजिंग हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा सेकंड डिफरेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कंपेटिबली पॉलिटी डायनेमिक है, गतिशील है, परिवर्तनशील, जब जैसी परिस्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग चेंजेबल मूवेबल है। बट पॉलिटी के तुलना में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, यह दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस आप ये कहेंगे कि पॉलिटी मूव करती है कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन, राज व्यवस्था मूव करता है संविधान के निर्देश में, यानी पॉलिटी के डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन मूव नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन में पॉलिटी मूव करती है। बट ये बातें कैसे प्रूफ होंगी, साबित कैसे होंगी, अब इनको मैं बता रहा हूं। देखिए गवर्नमेंट कभी भी लॉ मेकिंग करके हम पब्लिक के लिए जो व्यवस्था देती है उसी को कहा जाता है राज व्यवस्था। और गवर्नमेंट ने जो भी व्यवस्था दिया है अगर वह व्यवस्था हमारे आपके किसी भी भारतीय नागरिक के देखने में, जो भारतीय नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज रखता है उसके देखने में अगर ऐसा लगा कि गवर्नमेंट जो व्यवस्था दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, संविधान के अनुसार नहीं है, तो हम आप कोई भी इंडियन सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं भी उस एक्ट लॉ में कमी गलती पाया तो उस लॉ को कैंसल रद्द कर देता है और इस प्रकार से वह व्यवस्था समाप्त हो गया। इससे प्रूफ होता है कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी व्यवस्था तभी मूव कर पाएगा, तभी चल पाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो नहीं चल पाएगा। इस प्रकार से हम लोग अब बातें करेंगे नेक्स्ट। इन दोनों में डिफरेंसेज आपने 3 देखा, तीनों डिफरेंसेज एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। फर्स्ट डिफरेंस कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स स्ट्रक्चर होता है बट पॉलिटी की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं। सेकेंड डिफरेंस कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें स्टेबिलिटी होती है बट उनके कंपेटिबली पॉलिटी में स्टेबिलिटी नहीं होती है, यानी पॉलिटी जब जैसी कंडीशन परिस्थिति सोसाइटी समाज में होती है उसी के अकॉर्डिंग मूवेबल है, चेंजेबल, परिवर्तनशील है। थर्ड डिफरेंस कहेंगे कि पॉलिटी मूव करता है कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन में, यानी राज व्यवस्था संविधान के निर्देश में मूव करता है बट पॉलिटी के डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन मूव नहीं करता। इस तरह से 3 डिफरेंस है, आपने देखा तीनों डिफरेंसेस। अब हम लोग बातें करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। मैंने शुरू में ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कंट्री के संपूर्ण प्रोविजन का सोर्स होता है। आप भीमराज का और एक सुदर्शन का थोड़ा विचार देख लें, डिफरेंस बिटवीन पार्ट शेड्यूल्स आइए देखा जाए, इनके बारे में थोड़ी सी बातें बता दिया। देखिए जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में पार्ट शेड्यूल ही नहीं, आर्टिकल की बात देख लीजिए, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में सुदर्शन, आप कहेंगे सबसे छोटी, सबसे स्मॉल यूनिट
सेल होता है और लाखों सेल को मिलकर के टिश्यू बनता है, अनेक टिश्यू को मिलकर के फिर ऑर्गन बॉडी सिस्टम चलता है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में स्मॉल, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है? आर्टिकल। संविधान की किसी व्यवस्था को, छोटी व्यवस्था को किसी आर्टिकल में मेंशन है, बट शेड्यूल को कहा जाए शेड्यूल, ये आर्टिकल से ब्रॉड बड़ी व्यवस्था है, यानी एक शेड्यूल में कई आर्टिकल से संबंधित बातें आ जाती हैं, बड़ी व्यवस्था है। और पार्ट्स की बात किया जाए तो उससे भी बड़ी व्यवस्था है, बट तीनों व्यवस्थाओं को किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट अलग नहीं कहेंगे, तीनों संविधान की व्यवस्था है, कोई बड़ा, कोई उससे छोटा, कोई उससे छोटा, और अलग से सेपरेट करके स्टडी करने के लिए ये व्यवस्थाएं दिए गए। अब आप समझ गए होंगे सुदर्शन जी, सुदर्शन जी ने कहा है कि पंचायत ऑलरेडी इन पार्ट 9 बट अमेंडमेंट एज 11th शेड्यूल। ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9th में जो व्यवस्था दी गई है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था, जो मैंने कहा कि पार्ट सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में मैंने सेल कहा और उसके बाद टिश्यू, फिर हमने ऑर्गन सिस्टम की बात किया, तो उसी तरह से शेड्यूल्स पार्ट्स के कंपेटिबली छोटी व्यवस्था है। शेड्यूल में इतना दिए गए हैं, 11 शेड्यूल में, 11 शेड्यूल में इतना है कि पंचायती राज से संबंधित विषय क्या है, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो क्या क्या बातें उसमें है, उसमें दिया गया है पंचायती राज से संबंधित कि कितने मैटर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, एटसेट्रा। लेकिन पंचायती राज से संबंधित एक एक आर्टिकल में सेपरेट डिटेल व्यवस्थाएं आपको पार्ट्स में ही मिलेंगे, 9 पार्ट्स में। तो इस प्रकार से आर्टिकल 243 में क्या है, 243B में क्या है, 243C में क्या है, एक एक पंचायती राज की डिटेल व्यवस्थाएं ये पार्ट 9 में ही मिलेंगे। तो आप समझ गए शेड्यूल से भी बड़ी व्यवस्था क्या है, पार्ट्स। अब मैं भीम राज की बातें सुन लो। सर माई क्वेश्चन, पार्ट शेड्यूल आर्टिकल्स सेपरेट होते हैं या ये पार्ट में आते हैं? अब तो भीमराज आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप भी समझ गए होंगे। आगे देखा जाए तो आप कुमार नागर बोल रहे हैं कि सर वीडियो सही से नहीं चल रहा है। कुमार नागर, आपके मोबाइल की व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा, आप उसमें कुछ सुधार कीजिए, क्योंकि हमारे सभी स्टूडेंट आराम से देख रहे हैं, किसी को वीडियो में कोई कंप्लेन नहीं है, इसका मतलब पर्सनल आपका मैटर है, तो आपकी मोबाइल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको देखें सुधारें, और किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी की बातें, सभी का प्रॉब्लम मैंने देख लिया, अब इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देंगे, और इसी तरह से जो भी जिसको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो पूछते चलेंगे। कोई एजुटेशन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, और क्लास लेने में मेरी कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, आराम से आप सभी की समस्या को सुनते हुए आराम से हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। किसी भी कंट्री के संपूर्ण प्रोविजन का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, भारत देश, तो भारत की संपूर्ण व्यवस्था का सोर्स, स्रोत संविधान ही है। और आपके कंट्री में जो करोड़ों पब्लिक हैं, इन करोड़ों पब्लिक के लिए अच्छे ढंग से प्रोविजन व्यवस्था दिया जा सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बॉडी के क्रिएशन किए हैं जो अच्छे से व्यवस्था मेंटेन हो सके। और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बॉडी के क्रिएशन किस प्रकार से किए हैं समझिएगा। नंबर फर्स्ट ये है एक्सक्यूटिव, यानी हिंदी में आप कहेंगे कार्यपालिका। और नंबर नेक्स्ट बॉडी होती है, ये होगी लेजिस्लेचर। विधानमंडल, और नंबर नेक्स्ट बॉडी होगी, ये होगी एक्सक्यूटिव। एक्सक्यूटिव लेजिस्लेचर के बाद नेक्स्ट बॉडी होगी, ये होगी जुडिशियरी। तो नेक्स्ट बॉडी होगी ये जुडिशियरी, न्यायपालिका। जुडिशियरी, न्यायपालिका, आइए देखा जाए। तो ये तीन बॉडी के क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हैं, और सभी बॉडी का रोल इन्होंने डिसाइड भी किया है किसका क्या रोल होगा। आइए देखा जाए इनका रोल। देखिए लॉ मेकिंग का काम, कानून बनाने का काम कहां होता है, यहां पर लेजिस्लेचर, विधानमंडल।
बट लॉ जो मेकिंग हो गया उसको इंप्लीमेंट लागू करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन किनको दिया है? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। और गलत अगर इन्होंने किया या इन्होंने गलत किया तो गलत किए या सही इस बात का जजमेंट कौन देगा? जुडिशरी। अगर गलत किए तो कितना बड़ा गलती, कितना पनिशमेंट, यह सारा डिसीजन यही लेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो सबका रोल डिसाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और उसी के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था डील की जाती है। तो इस प्रकार से चिराग मेहता का कहना है कि आराम आराम कह के जल्दी पढ़ा रहे। अच्छा, तो क्या जल्दी हो रहा है भाई, उसको बताए ना। जल्दी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आइए, मैं और स्लो चल रहा हूं। मैंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बॉडी के क्रिएशन किए हैं, संविधान ने कुछ निकाय का गठन किए हैं, और कौन सी बॉडी? बॉडी नंबर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, बॉडी नंबर सेकेंड लेजिस्लेचर विधानमंडल, और बॉडी नंबर थर्ड न्यायपालिका जुडिशरी। मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं चिराग, टेंशन मत लीजिए। तो हो गया, अब देखिए फिर से रिवीजन किया। मैंने ये बताया कि सभी की रोल भूमिका डिसाइड है, इनको क्या करना है, कानून बनाना इनका काम है, और कानून जो बन गया तैयार हो गया उनको लागू करने की जिम्मेदारी किन की है? इनकी है, एग्जीक्यूटिव की। लेकिन अपने काम को करने में इन्होंने गलती किया या अपने काम को करने में इन्होंने गलत है या सही, इस बात का डिसीजन कौन लेगा? मैंने बताया जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो इस प्रकार से देखा जाए ये तीनों के काम डिसाइड हैं, तीनों अपने अपने काम करते हैं। और इसी प्रकार से मैं अब बातें करूंगा इनका डिवीजन, इनका विभाजन कैसे होता है। तो ये देखा जाए भाई, पॉलिटी में भी होती है अपेंडिक्स, आप लोग ऐसा टेंशन मत लीजिए, पॉलिटी इतना इजीली पढ़ेंगे कि किसी तरह से कोई टेंशन नहीं होगा, और बिल्कुल आराम से सुनते चलिए। गारंटी देता हूं कि जितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन करें। आप जैसा कि जानते होंगे आपके यहां जो एग्जाम होते हैं एसएससी में, इसी प्रकार से सीपीओ, सीएपीएफ, जो भी एग्जाम है, पीसीएस, बहुत सारे रेलवे के भी एग्जाम में, एनटीपीसी, अनेक एग्जाम जहां जीएस पूछे जाते हैं, अनेक एग्जाम, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड एग्जाम है जहां सिर्फ पॉलिटी के बल पर सिलेक्शन, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बहुत बड़ी क्वेश्चन की संख्या पॉलिटी के, अगर पॉलिटिक्स अच्छे से नहीं आता है तो सिलेक्शन संभव नहीं। आपने पार्लियामेंट का एग्जाम सुना होगा, पार्लियामेंट का एग्जाम, लोकसभा राज्यसभा के जो एग्जाम होते हैं उसमें फर्स्ट एयर पीटी में जीएस के सभी सेक्शन होंगे और इनके भी सेक्शन होंगे, पॉलिटी के भी। लेकिन मेंस जो होता है पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा के एग्जाम, उनमें 100 मार्क्स 100 नंबर के सिर्फ पॉलिटी होते हैं, और उसी पॉलिटी के बल पर सिलेक्शन होता है। यानी जीएस का कोई भी सेक्शन मेंस में नहीं होता, सिर्फ पॉलिटी के 100 क्वेश्चन उसी आधार पर सिलेक्शन। और आप जानते होंगे एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम देते हैं, जो आप इंस्पेक्टर हुए, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर होगा, लेकिन जो पार्लियामेंट के एग्जाम होते हैं कहीं ट्रांसफर नहीं, ऑफिसर दिल्ली पार्लियामेंट नहीं। दूसरी चीज, उनके अप्रोच, उनके पहुंच आप लोगों से कई गुना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर और पार्लियामेंट के मेंबर के संपर्क में होते हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्शन कौन दिलाता है? सिर्फ पॉलिटी। इसी प्रकार से अदर एग्जाम में भी देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है। और दूसरी चीज, आप सारे क्वेश्चन कर सकें, इजीली समझ सकें, इसकी मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल आराम से जो डाउट हो पूछते चलिए। गौरव जी का भी थोड़ा सा मैं देख लूं, इनका क्या कहना है। सर, आप कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने हिसाब से पढ़ाएं, यहां 50 तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, जरूरी जो क्वेश्चन होंगे उसी पर और पढ़ाता चलूंगा। अब मैं तीन जो बॉडी हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको डिवाइड करने चल रहा हूं। और डिवाइड किस प्रकार से? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है इस प्रकार से, ये होगा एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। तो ये है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, हिंदी में आप इसे कहेंगे संघ की कार्यपालिका।
एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन संघ की कार्यपालिका, और एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन संघ की कार्यपालिका जो है इनमें टू टाइप्स की एग्जीक्यूटिव होती है, एक होती है रियल अथॉरिटी जहां होता है और एक नॉमिनल अथॉरिटी, यानी एक होता है जिसमें कहा जाता है वास्तविक सत्ता पाया जाता है और दूसरा नाममात्र की सत्ता। तो रियल एग्जीक्यूटिव यानी रियल अथॉरिटी वाला एग्जीक्यूटिव जो है वो होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इनके पास होता है वास्तविक सत्ता रियल अथॉरिटी, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो होता है इनके पास नॉमिनल अथॉरिटी नाम मात्र की सत्ता या फॉर्मल अथॉरिटी औपचारिक सत्ता। बट ये बात में प्रूफ कैसे होता है अब इनको भी समझ लीजिए। देखिए किसी भी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किया जाना है तो गवर्नर आप जानते होंगे अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल कौन होगा यह डिसाइड करने का पावर प्रेसिडेंट को नहीं है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर ऑन पेपर राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल के नियुक्ति के मामले में सिर्फ सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं। सेम इसी तरह से अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त करना है तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी, अनुशंसा सिफारिश करेगी, और अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करेंगे। तो आप समझ गए होंगे ऐसे नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति फॉर्मल औपचारिक हैं, सिग्नेचर मात्र कर रहे हैं। वास्तव में कौन किस पोस्ट पर नियुक्त होगा इस बात का निर्णय लेने का पावर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास है। इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कहा जाएगा रियल अथॉरिटी वास्तविक सत्ता और फॉर्मल अथॉरिटी औपचारिक सत्ता बोला जाएगा राष्ट्रपति को। सेम इसी तरह से देखा जाए तो राज्यों में भी होते हैं, यानी राज्य में भी ये होगा एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, अर्थात हिंदी में कहेंगे राज्य की कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट राज्य की कार्यपालिका। तो राज्यों में भी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के सिमिलर राज्य में पद है चीफ मिनिस्टर, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री राज्यों में भी। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक सत्ता रियल अथॉरिटी और फॉर्मल अथॉरिटी औपचारिक सत्ता होता है किसके पास, गवर्नर राज्यपाल के पास। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं। देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर का भी डिविजन किया है, यह होगा लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, संघ का विधानमंडल, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन संघ का विधानमंडल, और नेक्स्ट होता है ये होगा लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन संघ का विधानमंडल जो है इसका पॉपुलर नेम आप लोग जानते होंगे, इसका पॉपुलर नेम होता है पार्लियामेंट, यानी लोकप्रिय इसका नाम होता है संसद। पूरे देश के लिए ऑल ओवर इंडिया के पब्लिक के लिए लॉ मेकिंग, पूरे देश के लिए कानून, बस यही बनते हैं। तो पूरे देश के लिए कानून यहां बनता है, हम ऑफ सभी इंडियंस के लिए लॉ मेकिंग यहीं पर होते हैं। और देखिए राज्यों के लिए भी लेजिस्लेचर है तो यह होगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी हिंदी में आप कहेंगे राज्य का विधानमंडल। तो सभी राज्यों में सेपरेट एक एक लेजिस्लेचर, जैसे बिहार के पब्लिक के लिए स्टेट लेजिस्लेचर पटना में है, और इसी प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के पब्लिक के लिए स्टेट लेजिस्लेचर राज्य का विधानमंडल लखनऊ में। तो अलग अलग राज्यों के लिए भी राज्य के विधानमंडल हैं, कानून बनाने की बॉडी है, और उसको कहते हैं राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कानून बनाने की बॉडी है, और मैंने अभी कहा था कि कोई भी बॉडी कोई भी निकाय है गलत कर सकती है। तो गलत है या सही, गलत है तो कितना गलत, इस बात का जजमेंट डिसीजन लेने का पावर किसको है, जुडिशियरी को। तो आइए जुडिशियरी में हम लोग बात करेंगे
कि सबसे बड़ा कोर्ट किसका है। प्यास आप कुछ कह रहे हैं, थोड़ा देख लो। सर प्रेसिडेंट की पावर वैसे कम कर दी थी इंदिरा गांधी ने, ध्यान दीजिएगा प्यास जो आप बातें कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को बाउंडेड किया था कि जो भी पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिकमेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सही आप बात कर रहे हैं प्यास, लेकिन प्यास एक बात मैं बता दूं, 44 अमेंडमेंट इन 1978 मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जनता पार्टी की सरकार ने अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था कर दिया कि रिकमेंड जो करेंगी गवर्नमेंट पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, तो एक बार जो रिकमेंड किए उनकी बात मानने के लिए बाउंडेड नहीं है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को 44 अमेंडमेंट से पावर दिया गया कि वो रिटर्न कर सकते हैं, सरकार को पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं। तो इस लौटाने के शक्ति के द्वारा जो इंदिरा जी का बाउंडेड व्यवस्था था शक्ति कम करना, वो थोड़ा बढ़ गया। लेकिन वैसे भी जानते होंगे प्यास, राष्ट्रपति रियल अथॉरिटी नहीं है, तो फॉर्मल तो ही है, वैसे भी उसको पावर कम है। अब समझ गए होंगे हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे ये जुडिशियरी की। तो जुडिशियरी में हम लोग बातें करेंगे, सबसे बड़ा कोर्ट होता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ा न्यायालय है इसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। और जस्टिस के नीचे जो कोर्ट होता है ये होता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। और जस्टिस के नीचे कोर्ट होता है, आप इस कोर्ट को क्या बोलेंगे, तो इनके नीचे जो कोर्ट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोला जा सकता, उसको कहा जाएगा लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स के नीचे जो कोर्ट होते हैं उन्हीं को कहते हैं लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट। आइए देखा जाए तो ये होता है सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये है सबॉर्डिनेट कोर्ट, या हिंदी में इसको कहा जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ये अब देखिए लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होता है इसमें थ्री टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट ये होता है, थ्री टाइप्स के कोर्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट होता है इसको बोला जाता है सिविल कोर्ट, यानी दीवानी न्यायालय। सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय। और नंबर सेकंड होता है इसको बोला जाता है क्रिमिनल कोर्ट, यानी फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय। और नेक्स्ट होता है ये होता है रेवन्यू कोर्ट, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है रेवन्यू कोर्ट, यानी हिंदी में राजस्व न्यायालय। ये थ्री टाइप्स के कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा ये तीन प्रकार के कोर्ट हैं। अब देखिए होता यह है कि पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति से रिलेटेड विकास का क्वेश्चन है कि सेशन कोर्ट क्या होता है। विकास जी दो मिनट में आपको इस बात का नॉलेज मैं देने चल रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं दो लोगों में, दो व्यक्तियों में व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित जो विवाद है उस केस को लेकर हम लोग कहां जाते हैं, सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय। मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को लेकर बरसों केस लड़ रहे हैं, काफी विवाद बढ़ गया और बरसों केस लड़ रहे हैं, दोनों परिवार में एक दिन उसी प्रॉपर्टी को लेकर मारपीट हो गया काफी, तो जो भी मारपीट हुआ अब उस केस को लेकर हम लोग कहां जाएंगे,
क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी न्यायालय। तो मारपीट के डिस्प्यूट विवाद को लेकर हम लोग जाते हैं फौजदारी न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट, और व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित केस लेकर कहां जाएंगे, सिविल कोर्ट। तो इस प्रकार से मारपीट का केस लेकर जो हम लोग आते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, इसका डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो जज होता है उसी को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हिंदी में कहा जाता है जिला सत्र न्यायाधीश, तो इनको बोला जाता है सत्र न्यायाधीश ये। और एज ए जज सिंगल यही होगा, एज ए पर्सन सिंगल जब ये पर्सनल प्रॉपर्टी के केस का हियरिंग कर रहा होता है तो इसको सेशन जज नहीं बोला जाता है, अब इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट जज। तो अब इनको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश, तो इनको बोला जाता है जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज इनको। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था किया गया। और ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों प्रकार के कोर्ट को मिलाकर जो कोर्ट बनता है इसी कोर्ट को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन दोनों प्रकार के कोर्ट को मिलाकर जो कोर्ट को बनाया जाता है इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हिंदी में बोला जाता है जिला न्यायालय, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अर्थात अभी आपके क्वेश्चन आए हैं, जैसे जयप्रकाश कह रहे हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप समझ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों कोर्ट को मिलाकर बनता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेवेन्यू कोर्ट शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं। और ये सेशन कोर्ट क्या होता है, तो आपका जवाब होगा क्राइम से रिलेटेड जो सबसे बड़ा जज डिस्ट्रिक्ट में केस का हियरिंग करता है उसको कहते हैं सेशन जज, और उस कोर्ट को कहते हैं सेशन कोर्ट। लेकिन सिविल से रिलेटेड वही जज जब हियरिंग करेगा तो उसको सेशन जज नहीं कहेंगे, सेशन कोर्ट नहीं कहेंगे, अब उसको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। इस तरह से व्यवस्था चेंज अलग अलग होते हैं। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। देखिए कभी भी कमीशन आपसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हायरार्की में बोले, आपसे बोला गया कि हाई कोर्ट के नीचे कौन कोर्ट होता है, आप एग्जामिनर को अक्सर देखे हैं जवाब देते हैं कमीशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जवाब देना गलत है। देखिए सबॉर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय इसको लोअर कोर्ट भी कहते हैं, इसमें थ्री टाइप्स के कोर्ट्स हैं, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो ही प्रकार के कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो अगर हायरार्की पद सोपान में अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया तो तीसरा कोर्ट तो बाहर हो गया, इसलिए हाई कोर्ट के नीचे जवाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलना उचित नहीं है, सबॉर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय या लोअर कोर्ट बोलना उचित है। अब आइए हम रेवेन्यू कोर्ट की बात करते हैं। देखिए पर्सनल प्रॉपर्टी के केस तो हम लोग लेकर यहां आते हैं सिविल कोर्ट, लेकिन आपके कंट्री आपके विभिन्न स्टेट में पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केसेज होते हैं वो केस कहां जाते हैं, यानी सरकारी संपत्ति से पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस हैं वो केस लेकर हम लोग जाते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां दिल्ली में क्लास कर रहे हैं, और दिल्ली में मान लीजिए कोई पार्क है, उस पार्क को लेकर डिस्प्यूट हुआ, कोई व्यक्ति कह रहा है पार्क हमारा है मैं इसी में मकान बनवाने चल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के अगेंस्ट उस क्षेत्र का जो नगर निगम का पार्षद होगा केस करेगा, तो यह केस सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में। और रेवेन्यू का सबसे छोटा कोर्ट होगा तहसीलदार, उसके ऊपर जो होगा वो कौन होगा, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद ये केस आप अपील करेंगे डिप्टी कलेक्टर के बाद कलेक्टर के यहां, फिर केस अपील करेंगे कमिश्नर के यहां, और उसके बाद केस अपील करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हिंदी में बोलेंगे राजस्व परिषद, सभी राज्य में एक एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद होता है। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद यह केस अपील होगा हाईकोर्ट, उसके बाद अपील होगा सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से यह प्रूफ होता है कि किसी भी तरह से केस होगा सभी तरह के केस का फाइनल हियरिंग फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन देता है वह ला कानून कहा जाता है, उसकी अगेंस्ट किसी भी अदर कोर्ट में कभी अपील नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन दिया है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसी सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करेंगे, इसको आप बोलेंगे
पुनः याचिका, पुनः याचना, री अपील, यानी सबसे बड़ा कोर्ट है, वह जो डिसीजन ऑर्डर देता है वह ला कानून कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा जुडिशरी से संबंधित बातें। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा, बताना चाहूंगा, एक समय था हमारा इंडिया गुलाम हुआ करता था, और गुलामी के समय में हम लोगों पर रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किस किस तरह से हम लोगों की व्यवस्था दी, और किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते हुए इंडियन पब्लिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस प्रकार से होगा, अब हम लोग इनकी बातें करें। लेकिन इनकी बातें करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें मैं और कर लूं। तो आप ये कुछ विचार में देख लूं, सर आज पहली क्लास है क्या? यस बिल्कुल, आज पहला क्लास है। जैसा कि आप जानते होंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, क्लास रुक गया, तो आप चिंता न कीजिए, पहला क्लास है। अब बिल्कुल शुरू से आप ज्वाइन किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुदर्शन जी की भी बातें मैं देख लूं, इलेक्शन कमीशन एंड प्रेसिडेंट कम अंडर एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल नहीं सुदर्शन, गलत नॉलेज है आपको, एकदम गलत नॉलेज है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस बॉडी है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में है ही नहीं, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में भी नहीं, स्वायत्त निकाय कहते हैं निर्वाचन आयोग को। और इसलिए निर्वाचन आयोग, कोई मंत्री भी एज ए प्रत्याशी कोई गलती करता है आचार संहिता का वायोलेशन, तो जो उचित समझेगा उनको पनिशमेंट देगा। यानी एग्जीक्यूटिव के अंडर में होता कंट्रोल में, तो इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर पाता। यानी इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 टू 329, एक स्वायत्त निकाय है, स्वतंत्र होकर काम करता है। और प्रेसिडेंट को आप जानते ही हैं, इलेक्टेड पोस्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड वही होता है, ठीक है। और इस प्रकार से सभी के लगभग विचार हो चुके हैं, देख चुका मैंने। प्रशांत त्यागी का विचार है, सर आप बेस्ट हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्रशांत जी, मेरा प्रयास रहेगा आपको बेस्ट बनाने का। आप कोई भी एग्जाम दें, पॉलिटी के सभी क्वेश्चन करें, एक भी गलत ना हो, तो आपको हम इस तरह से प्रयास करेंगे, सभी छोटी छोटी या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें भी हो सरल ढंग से आपके बताने का। जैसा कि आज तक स्टूडेंट कहते रहे हैं कि जो मैं पढ़ाता रहा हूं, जो नोट्स लिखाता रहा हूं, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप लोगों के लिए भी ऐसा ही प्रूफ करने का प्रयास करूंगा। बेस्ट तो मैं कहूंगा सही मायने में प्रशांत जी, आप और आपके सारे फ्रेंड जो क्लास ले रहे हैं, ये लोग हैं कितने शांतिपूर्वक, आप लोग न सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन में भी जो आप लोग होते हैं कितने शांतिपूर्वक पेशेंस के साथ क्लास करते हैं, तो ये तो बेस्ट का रोल आप लोगों का है। हम टीचर का काम है आप लोगों को एक ताकत बन करके सही ढंग से सही मार्ग में दिशा देना, सही ढंग से पढ़ाना, बस और कुछ नहीं। प्रवीण जी का भी विचार में देख लूं, सर मजा आ रहा है आपकी क्लास लेकर, फाइनली अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। जहां भी प्रवीण जी समझने में दिक्कत हो, कोई हेजिटेशन नहीं, आप लोग डाउट रखते चलिएगा, जैसे सभी लोग रखते हैं। सतीश कुमार का भी देख लूं, सतीश कुमार जी सर क्या लिखे हैं, चार्टर एक्ट नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए सतीश जी, चार्टर एक्ट की जो बात कर रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर सभी एक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड ब्रिटिश इंडिया, सतीश जी अच्छा आपने कहा, सभी पढ़ूंगा। लेकिन जानते हैं जीएस स्पेशल के जो बैचेज होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जामिनी आप लोगों के साथ होते हैं जो बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, पॉलिटी बैकग्राउंड नहीं है, तो शुरू का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, रेगुलेटिंग एक्ट, अनेक चार्टर एक्ट, उनको समझने में दिक्कत काफी होते हैं। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, पहले आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ टॉपिक पढ़ा लूंगा, एक लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, इजी लगने लगेगा, आसानी से समझने, फिर मैं चार्टर एक्ट एक दिन पढ़ा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए आप आसानी से समझे, इसलिए शुरू में ना पढ़ाकर उसको बाद में एक क्लास लेकर पढ़ा दूंगा और नोट्स भी डिटेल दूंगा। अब समझ गए? तो संजीत बोल रहे हैं कि सर प्लीज एक बार सारे जज के बारे में बता दीजिए। तो जज आपको संजीत जी मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, अदर जज हैं, इसी प्रकार के हाई कोर्ट्स में एक चीफ जस्टिस, अदर जज हैं, और देखा जाए तो आज के डेट में टोटल हाई कोर्ट्स 25 है। अब रही बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो सिविल के मैटर में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट जज,
और उसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे होता है सिविल जज, और उसके नीचे होता है मुंसिफ। ये तो सिविल के मैटर में। अब मैं क्राइम के मैटर में बता रहा हूं, फौजदारी न्यायालय सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सबसे बड़ा जज है, उसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और उसके नीचे होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट, और उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड। अब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, तो रेवेन्यू में देखा जाए तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे होता है रेवेन्यू कोर्ट, उसके नीचे कमिश्नर, उसके नीचे कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर, फिर तहसीलदार, और फिर ये अंतिम हो गया। तो इस तरह से सभी का जितनी बातें बताया हूं, जुडिशरी जब पढ़ाऊंगा इससे भी डिटेल सारी बातें सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको नोट्स में भी दूंगा ये सारी बातें। तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाऊंगा उसके बाहर कमीशन नहीं पूछ पाएगा, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से श्याम रघुवंशी जी, थैंक यू आपको, ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं, हम आगे चलते हैं। मैंने अभी बताया कि एक समय था हमारा इंडिया गुलाम था, और गुलामी की अवस्था में जब हम लोग गुलाम थे, उसी गुलामी की अवस्था में हम इंडियंस पब्लिक एंड इंडियन लीडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड किए, डिमांड ये किए कि हम इंडियंस, हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, और वह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हम इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करें। तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भारत के नेता, भारत के नागरिक, स्त्री पुरुष सभी ने यूनिटी के साथ जमकर लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ते हुए कोई एक्ट ला नहीं, सीधे से ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड किए कि हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करे। ये कैसे ये डिमांड हुआ और मेकिंग कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें हेडिंग देना चाहूंगा, ये होगा डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो ये होगा डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा संविधान सभा की मांग। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की मांग। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड कब हुआ इसको पहले देखिए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो डिमांड हुआ इस प्रकार से, वीडियो आपको दिक्कत है, मैं अभी सही करवा रहा हूं, थोड़ा सा आगे। सॉरी सॉरी, वीडियो में थोड़ा सा अब आप लोग बताइए, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? श्याम जी सही है? अच्छा, वीडियो रुक रहा है श्याम सिंह, तो आप अब तो दिक्कत नहीं होगा वीडियो में, आप सही है? अगर सही है तो यस बोलें, फिर हम टॉपिक कंटिन्यू करें। साउंड प्रॉब्लम क्या अभी भी है? अनवांटेड नॉइज बता रहे हैं, तो नॉइज तो यहां से नहीं होना चाहिए। अब बताइएगा रोहित जी कैसा है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सही है? अगर सही हो तो कंटिन्यू करें, सही हो गया आ जाइए, ठीक है, ओके। तो सही है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यस। देखिए, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियंस पब्लिक ने डिमांड किया
कि हम इंडियंस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए। लेकिन कमीशन आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड किसके द्वारा हुआ, पहली बार संविधान सभा की मांग किसके द्वारा हुआ। आइए देखा जाए, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिमांडेड इन 1895, पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में हुआ और यह मांग किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो पहली बार संविधान सभा की मांग हुआ बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक द्वारा। तो कमीशन आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिमांडेड बाय, आपका जवाब बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। यह भी आपसे पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी, आपका जवाब 1895। इस प्रकार से जब बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड फर्स्ट टाइम किया तो इनके डिमांड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जरा भी कोई विचार नहीं किया, सीधे से ये डिमांड को डिनाई किया। अर्थात इंडियन पब्लिक को बड़ी नाराजगी हुई क्योंकि इन्होंने डिमांड को भले ही फुलफिल ना किया हो, कुछ एश्योरेंस आश्वासन वादे भी देते तो पब्लिक में नाराजगी नहीं होती, बट सीधे से इनकार किए डिमांड पर, इसलिए पब्लिक के अंदर बड़ी नाराजगी हुई और पब्लिक ये एसटीडी बनाई, हमारे भारत के लोग और लीडर एसटीडी बनाए इस रणनीति के साथ कि हम कंटिन्यूसली डिमांड करते रहेंगे लेकिन साथ साथ पूरे यूनिटी एकता के साथ अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये इंडियंस लीडर इंडियन पब्लिक की रणनीति थी कि हम अपने यूनिटी बल पर प्रदर्शन करेंगे और समय समय से असेंबली का डिमांड भी करेंगे। अर्थात इसके पीछे स्ट्रेटजी ये थी कि जब यूनिटी के साथ हम प्रदर्शन करेंगे और बीच बीच में डिमांड करेंगे तो हमारी यूनिटी हमारे ताकत के सामने एक दिन जरूर आएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा और हमारे डिमांड को ये फुलफिल करेंगे। तो इसी भरोसे, इसी होप उम्मीद के साथ इंडियंस पब्लिक एंड इंडियंस लीडर डिमांड करते रहे और यूनिटी के साथ अपने शक्ति का प्रदर्शन आंदोलन भी करते रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिमांड कब किया गया। नेक्स्ट डिमांड किया गया ये समय था इन 1922 में और ये डिमांड किए थे महात्मा गांधी जी। यहां एक बात मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, स्वराज, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। आइए देखा जाए, दरअसल महात्मा गांधी जी की बात किया जाए, उस समय महात्मा गांधी जी हमारे कंट्री में एक ग्रेट लीडर माने जाते थे, तो हमारे देश के एक महान नेता माने जाते थे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड इन्होंने किया, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिमांड में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्ड यूज ही नहीं किया। तो महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा का मांग किया बट संविधान सभा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने किस ढंग से डिमांड किया उसको मैं सुना रहा हूं। इन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दी गई कोई गिफ्ट, कोई उपहार नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। सेल्फ गवर्नमेंट का यह सेंस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। एसएससी एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड कब किया था, एसएससी एलडीसी का क्वेश्चन है, आपका जवाब यही 1922। आगे चलिए, एमपीपीसी से यहां पर क्वेश्चन किया है कि सेल्फ गवर्नमेंट वर्ड यूज करके, स्वराज शब्द इस्तेमाल करके संविधान सभा का मांग किस भारतीय नेता ने किया। ऑप्शन में दिया था गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मोतीलाल नेहरू, नाना अब्दीश। आप समझ ही गए होंगे महात्मा गांधी की ये इसमें कोई नेम नहीं है इसलिए नाना अब्दीश। ये क्वेश्चन यहां से लोअर पीसीएस यूपी में पूछा गया है और वहां पूछा
पूछा गया है क्वेश्चन, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्ड यूज किए, बिना संविधान सभा शब्द प्रयोग किए, संविधान सभा का मांग इसमें से किसने किया था? ऑप्शन दिया था इस प्रकार से, गोविंद पल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और नेक्स्ट नेम दिया था बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आप सही ऑप्शन समझ गए, महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने देखा, ध्यान दीजिएगा। दरअसल महात्मा गांधी जी ने जो ये बात कहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू दी गई कोई गिफ्ट, कोई उपहार नहीं होनी चाहिए, इसका सेंस क्या था समझिएगा। समय समय से ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हम लोग आंदोलन करते थे उस समय के इंडियन, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो कुछ प्रोवाइड करती थी बाइला एक्ट बनाकर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन पब्लिक को बेवकूफ बनाती थी। डिमांड हमारे आपके कुछ और होते थे, करती कुछ और थे। इस प्रकार से इन्हीं कारणों से महात्मा जी ने कहा कि आप कानून बनाकर कोई गिफ्ट हम लोगों को मत दीजिए, हम भारतीय जनता की इच्छा के द्वारा ये उत्पन्न होगा, यानी सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज इंडियंस पब्लिक के इच्छा के द्वारा उत्पन्न होगा। आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी ने जिस लहजे में, जिस अंदाज में बात कहा, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था कि नहीं? आप लोग निश्चित रूप से कहेंगे यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था। यानी महात्मा गांधी जी हमारे आपके लिए ग्रेट थे, लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वह भी गुलाम थे, सभी भारतीय गुलाम थे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बात बड़ी खराब लगी कि यह गुलाम, यानी महात्मा गांधी, एक गुलाम की इतनी हिम्मत जो कह रहा है कि आप कुछ व्यवस्था मत दीजिए, हम इंडियंस अपने लिए स्वयं व्यवस्था देंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी नाराजगी हुई, लेकिन इसी नाराजगी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी जी के डिमांड को सीधे से डिनाई किया, डिमांड फुलफिल भी नहीं किया, भविष्य के लिए कोई आश्वासन वादे भी नहीं किया। इसलिए हम लाखों करोड़ों स्त्री पुरुष जो उस समय थे महात्मा गांधी में फेथ आस्था रखते थे, ऐसे इंडियंस पब्लिक को बड़ी नाराजगी हुई कि हमारे नेता महात्मा गांधी का अंग्रेजों ने इंसल्ट किया, अपमानित किया। लेकिन इंडियंस पब्लिक इतना ही नहीं समझे, इंडियंस पब्लिक यह भी समझ गए कि महात्मा गांधी जी ने अपने लिए तो कुछ डिमांड किया ही नहीं, ये सभी भारतीयों के लिए डिमांड किया। यानी सिर्फ महात्मा जी का इंसल्ट अपमान नहीं, हम सबका अपमान है। ये कमल नागर का मैं विचार सुन लो, सर स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले तिलक द्वारा किया गया। जरा एक बात बता दूं कमल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके द्वारा किया गया, बट उस स्वराज और इस स्वराज से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, बट मैं बार बार बोल रहा हूं इस स्वराज का मतलब संविधान सभा से है, और तिलक जी का जो स्वराज था वो अलग था, उस स्वराज से इसका मतलब नहीं। दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज शब्द इस्तेमाल किया, बट उस स्वराज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैंने अभी बताया कि इन्होंने संविधान सभा शब्द नहीं प्रयोग किया, संविधान सभा की जगह क्या प्रयोग किया, स्वराज। तो इस स्वराज का सेंस मीनिंग संविधान सभा से, तिलक जी दादा भाई नौरोजी जो प्रयोग किए उससे इसका कोई रिलेशन नहीं, वो अलग चीज है, जो आप कर रहे हैं ये अलग चीज है। आप समझ गए होंगे, तो इस तरह से आप समझ जाइए। राज राकेश जी कोई दिक्कत तो नहीं होगा, थैंक यू, आगे चलते हैं। तो महात्मा गांधी के मामले में जब इस तरह से पब्लिक की नाराजगी हुई, तो पब्लिक की जब नाराजगी हुई, इंडियन स्त्री पुरुष ओल्ड हो यंग हो सबके अंदर नाराजगी हुई, अब सब ने सोच लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की होश ठिकाने करके सोचेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट हो, उस समय हमारे समाज की यह जज्बात थी कि आप जैसे कॉलेज का स्टूडेंट, एक स्टूडेंट बोल देता था भारत माता की जय, सारे यूनाइट हो जाते थे। तो स्त्रियां पुरुष बच्चे नौजवान ओल्ड हर वर्ग ने समझा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम इंडियंस के नेता महात्मा जी को, हम इंडियंस को अपमानित किया है, इस अपमान का बदला लेंगे, और इस यूनिटी के साथ इंडियंस पब्लिक जज्बे से आगे डिमांड करती रही। नेक्स्ट डिमांड होगा इन 1924, और 1924 में डिमांड किए पंडित मोतीलाल नेहरू।
और पंडित मोतीलाल नेहरू जी उस समय एक बहुत ही अनुभवी सीनियर लीडर थे। यहां भी इंडियंस पब्लिक को उम्मीद होप था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जैक्टली भले ही फुलफिल ना करे बट जरूर कुछ वादे करेगी। ऐसा नहीं किया इसलिए इंडियंस पब्लिक में बड़ी नाराजगी हुई और इस नाराजगी को अपने प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला। यूनिटी के साथ लोग प्रदर्शन करते थे। नेक्स्ट डिमांड कब हुआ? इन 1934। और यह संविधान सभा का मांग किए थे एमएन राय साहब, ये मांग किए एमएन राय। आप सभी लोग जानते होंगे एमएन राय उस समय कम्युनिस्ट के एक बड़े तेज तराक लीडर थे, बड़े ओल्ड अनुभवी लीडर थे। एमएन राय साहब की एक विशेषता थी, इनकी विशेषता क्या थी? जब भी किसी मन से अपने विचार एक्सप्रेशन देते थे, कोई विचार रखते थे, तो अपने बातों को बड़े ही रीजनेबल तरीके से, बहुत ही तार्किक ढंग से अपने विचार रखते थे। यानी उलूल जुलूल बातें ही नहीं करते थे, अपने जो भी एक्सप्रेशन विचार रखते थे वो बड़े ही तार्किक रीजनेबल ढंग से, बड़े प्रभावशाली ढंग से, बहुत एफेक्टिव तरीका इनका होता था अंग्रेजों के अगेंस्ट अपने विचार रखने के तरीका। तो जब इन्होंने अपने विचार रखे, डिमांड रखे, तो पब्लिक में होप उम्मीद बना कि एमएन राय साहब अपने स्पीच भाषण के द्वारा संभव है इतने रीजनेबल तार्किक ढंग से अपनी बातें रखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर होकर के इनकी बातों को एक्सेप्ट करेगा, मानेगा। ऐसा हम आप जैसे उस समय के पब्लिक की होप उम्मीद थी, बट जैसा आपको हमको उस समय पब्लिक को उम्मीद था ऐसा नहीं हुआ। यानी एमएन राय साहब जी जब अपने डिमांड को रखे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके डिमांड को भी डिनाई किया, इनकार किया, अर्थात इंडियन पब्लिक आग बबूला हो गए। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों या फार्मर व्यापारी हों, गरीब मजदूर हों, हर वर्ग के लोगों को नाराजगी हुई और पब्लिक ने सोच लिया इस घमंडी सरकार को, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम सबक सिखा कर रहेंगे और संविधान सभा असेंबली की व्यवस्था करके रहेंगे। लोगों में बड़ी जज्बा हुई। और जानते होंगे इस समय आपके कंट्री में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, और जानते होंगे इस समय आपके कंट्री में जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम समझ गए होंगे, INC। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। INC का फुल फॉर्म भी समझ गए होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारे आपके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। आप ये भी जानते होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 1885 में। इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, और हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या लिया समझिएगा। 1938 की बात है, 1938 की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसीजन जो लिया इस प्रकार से इसने डिसीजन लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसीजन 1938 में लिया, इसने डिसीजन लिया कि INC ने डिसीजन लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टेड होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग के बेसिस पर। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिसीजन था कि संविधान सभा के मेंबर कैसे इलेक्टेड, कैसे संविधान सभा गठित होगा। और यह जो डिसीजन 1938 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिया, सिर्फ डिसीजन ही नहीं लिया, INC के ऑन बिहाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका अनाउंसमेंट भी किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन 1938 में अनाउंस किए, और अनाउंस इन्होंने यह किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, इनके मेंबर जो होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, बट इनडायरेक्ट इलेक्टेड जो होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होंगे। और इस प्रकार से यह सिर्फ डिसीजन नहीं, नेहरू जी के द्वारा अनाउंस किया गया। बट 1938 की बात है, आप लोग जानते होंगे उस समय हम इंडियंस गुलाम थे। तो जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह अनाउंसमेंट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका मतलब क्या समझा?
आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का यह डिसीजन था। आप समझ गए होंगे आईएनसी के सारे मेंबर जो थे वो इंडियंस थे। आप लोग भी जानते होंगे आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट स्थापना किसने किया था, जानते होंगे, जवाब देंगे। आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट स्थापना अगर आपसे पूछा गया तो आप लोग यही जवाब देंगे कि आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट एवो ह्यूम के द्वारा होगा। लेकिन आप लोगों को क्लियर कर दूं, वास्तव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट ये ब्रेन ह्यूम का नहीं था, ब्रेन था एस्टेब्लिशमेंट करने का ब्रेन था वायसराय लॉर्ड डफरिन। और वायसराय लॉर्ड डफरिन जो था बहुत ब्रिलियंट था, बड़ी साइंटिफिक थिंकिंग थी। डफरिन ने सोचा कि इंडिया बहुत ही रिच कॉलोनी है, कंट्री है, और करोड़ों की एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर यहां से करते थे। तो उसने सोचा कि इंडियंस एक जगह से आंदोलन नहीं करते हैं, इतनी यूनिटी है कि ऑल ओवर इंडिया से अनेक जगह से एक साथ ये आंदोलन करते हैं। और डफरिन ने माना कि इनका एक एक छोटे छोटे आंदोलन भारत सरकार के लिए ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा उत्पन्न करता है। तो डफरिन का एक सीक्रेट थिंकिंग हुआ करता था, डफरिन का एक साइंटिफिक थिंकिंग था, साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच उसकी क्या थी। डफरिन ने सोचा कि बहुत पतले पतले पाइप से अगर सैकड़ों जगह से पॉल्यूशन धुएं निकल रहे हों तो भले ही पतले पाइप से थोड़ा सा पॉल्यूशन है लेकिन सैकड़ों हजारों जगह से है, इसलिए उनको कंट्रोल करना संभव नहीं होगा। डफरिन सोचा अगर सारे पॉल्यूशन को एक मोटे पाइप से एक प्लेस एक स्थान से निकाला जाए तो संभव है आसानी से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसी थिंकिंग के साथ डफरिन सोचा कि इंडियंस के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं जो इंडियंस को फेथ भरोसा हो, और जब यह आंदोलन शुरू करेंगे तो उसी भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करके निपटा लेंगे और सैकड़ों वर्ष तक इंडियंस को गुलाम बनाकर रखे रहेंगे। इन्होंने सोचा, ह्यूम ने क्या किया, इस काम को करने के लिए अपना एक दूत तैयार किया और उस दूत का नाम था एओ ह्यूम। ह्यूम को इसने डफरिन ने समझाया, ह्यूम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है जो ध्यान देना इसका नेम इंडियन ओरिएंटेड होना चाहिए, अंग्रेजियत नहीं होना चाहिए। अगर इंडियन ओरिएंटेड हिंदुस्तानियत इसके नेम में नहीं होगा तो हिंदुस्तानी इंडियन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ध्यान देना है, हम इसका हेड इंडियन होना चाहिए, कोई इंग्लिश मैन को हेड अपॉइंट किए चेयरमैन तो इंडियंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुलाम जरूर है बट बहुत हिम्मती है, हत्या भी कर सकते हैं उस इंग्लिश मैन को। यह सभी बातों को ध्यान में रखकर एस्टैब्लिश करना है। अब ह्यूम ने क्या किया, इसका नाम रखा इंडियन। हम इंडियंस, इंडियन नेम है तो सबको अच्छा लगेगा, कोई विरोध नहीं। आगे नाम रखा नेशनल, इंडियन और नेशनल आप कहेंगे सोने पे सुहागा, भारतीय और राष्ट्रीय भी हो और अच्छा आपको लगेगा। नेक्स्ट कांग्रेस, कांग्रेस का मीनिंग होता है सभा सम्मेलन, तो भारतीय राष्ट्रीय लोगों का सभा सम्मेलन, किसी भी भारतीय को यह खराब नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगा, सबने सपोर्ट किया। इसके फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंटेड हुए डब्ल्यू सी बनर्जी, फुल नेम ब्योमेश ए चंद बनर्जी, और ध्यान दीजिए भारतीय ही थे, बंगाल के रहने वाले। तो बंगाल के हो या उत्तर प्रदेश पंजाब कहीं के, भारतीय थे इसलिए किसी भारतीय को विरोध नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनिशियल प्रारंभिक रूप से अपना उद्देश्य बनाया अधिक से अधिक भारतीय लोगों को अवेयर जागरूक करना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो डफरिन ने सेटअप किया ये सोचकर कि ये ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजों का अस्त्र बनेगा, जस्ट अपोजिट होगा, ये हम आप इंडियंस की ताकत बन गई। क्यों, क्योंकि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रारंभिक रूप से शुरुआत में ही हम भारतीयों को बहुत ज्यादा अवेयर जागरूक करना अपना उद्देश्य बनाया। तो क्या करने लगे, आईएनसी के जो मेंबर स्त्रियां थी वो स्त्रियां कम पढ़ी लिखी महिलाओं स्त्रियों की नुक्कड़ सभाएं करके समझाती थी, और उस समय कम समझदार स्त्रियों को अनपढ़ स्त्रियों के अंदर भी नेशनलिटी भारत माता के लिए मर मिटने की जज्बा आ गया, यानी यूनिटी पहले से ज्यादा बढ़ गया। हमारे भारतीय समाज में पुरुष जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ थे
पुरुष मेंबर आईएनसी के जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करके विभिन्न क्षेत्रीय भाषा में समझाकर इनको अवेयर किए। यानी आईएनसी के एस्टेब्लिश होने के बाद हम इंडियंस में यूनिटी, एकता, स्त्री पुरुष सब में बढ़ गया, हिम्मत जज्बा बढ़ा। यानी अंग्रेज जो मजाक उड़ाए, 38 में जब आईएनसी अनाउंस हुआ और इसके ऑन बिहाफ अनाउंस हो चुका था 1885 में, और 1938 में जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो जान लीजिए मजाक उड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन सिर्फ मजाक नहीं, लगातार आगे इंडियंस पब्लिक ज्यादा अवेयर हो गए, लगातार जज्बे से प्रदर्शन करने लगे। यूनिटी पहले की अपेक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत बिगड़ने लगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि अरे इंडियंस को मजाक मत उड़ाओ, याद करो इंडियंस की ताकत, इनमें बड़ी यूनिटी है। और इंडियंस की ताकत से मतलब क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कि बड़े ऑफिसर जो वायसराय वगैरह थे वो समझ गए 38 में जो अनाउंसमेंट हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट मजाक उड़ाई, तो इंडियंस पब्लिक ज्यादा यूनाइट होकर 1938 में और यूनाइट होकर प्रदर्शन किए। 39 के बाद और यूनिटी बढ़ी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत इंडियंस पब्लिक बिगाड़ दिए। डरी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझ गई कि इंडियंस को मजाक मत उड़ाओ, याद करो इनकी हिस्ट्री। हम इंडियंस की हिस्ट्री क्या थी, 1857 में इंडियंस पब्लिक ने जो रिवोल्ट किए थे वो इतना भयंकर था, इस रिवोल्ट से हताश डर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी समय भागने वाली थी। काश अगर ये आगे भी कंटिन्यू रहता तो 1947 तक हम लोगों को गुलाम नहीं रहना पड़ता, 1857 में ही अंग्रेज भाग गए होते। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोगों ने उस समय की पब्लिक ने रोक दिया और इस प्रकार से ब्रिटिशर रुक गए जो गुलाम इतने समय तक बनाए। तो इस प्रकार से आपकी ताकत को ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी और इसलिए डर गई, और डरी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर टू ईयर यानी 1938 में अनाउंस हुआ और आफ्टर टू ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अगस्त ऑफर दिया। तो 1940 की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको दिया अगस्त ऑफर। हिंदी में आप इसे कहेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑफर दिया जिसका नाम रखा अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखा जाए जो मैंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई, डरने का कारण क्या था, रियली डरी क्यों, इसको समझिए। इस समय वर्ल्ड वार चल रहा था 1940 में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी ताकत को समझ गई थी कि इंडियंस में बड़ी हिम्मत है, हौसले है, नेशनलिटी है, बड़ी यूनिटी है, यह सच्चाई समझ गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग आपसे ये बात करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सुदर्शन क्या कह रहे हैं थोड़ा सा देख लें, कंटिन्यूसली बफरिंग, प्लीज आस्क टेक्निकल टीम टू चेक इट। ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बफरिंग, बफरिंग कर रहा है, लेकिन और किसी का तो सब ठीक है, सभी का व्यक्तिगत आप ही का है, इसका मतलब सुदर्शन जी मुझे लगता है मोबाइल में कोई दिक्कत होगा। प्रशांत जी क्या कर रहे हैं, सर आईएनसी नेम की डिमांड तो नौरोजी ने की थी। नो 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 नो, यहां डिमांड की बात नहीं है, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी डफरिन जो निर्देश दिया था ह्यूम को कि ऐसा नाम रखना जो इंडियन ओरिएंटेड हो, इस कारण से नौरोजी जी का यहां कोई डिमांड नहीं था। आइए, ये अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था उनका अपना उद्देश्य साधने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब विचार भद्दे गंदे होते हैं तो ईश्वर की कृपा नहीं होती है। अब बताइए जब आईएनसी आपकी ताकत बनकर काम करने लगा, डफरिन जैसा सोचता था वैसा नहीं हुआ। आपको बता दूं एक मुहावरा होता है सीने पर सांप लौटना, सीने पर सांप लौटने का मतलब आप लोग जानते होंगे, क्यों जानते हैं कि नहीं? प्रशांत जी या सुदर्शन कोई भी बताइए, विकास जी कोई, सीने पर सांप लौटने का मतलब क्या होता आप सभी लोग जानते होंगे? सीने पर सांप लौटने का मतलब होता है हताश होना। तो डफरिन जिन उद्देश्यों के साथ आईएनसी को एस्टेब्लिश कराया ऐसा हुआ नहीं, इसलिए
आईएनसी जस्ट अपोजिट काम करने लगा, अंग्रेजों के फेवर में नहीं, हम भारतीयों के फेवर में। तो अंग्रेजों को बहुत खराब लगा। डफरिन ने सोचा, मैंने क्या सोचकर यह किया, क्या हो गया। यानी डफरिन के सीने पर सांप लौट गया। यह मुहावरे का मतलब होता है डफरिन हताश हो गया। और जानते हैं ऐसा क्यों, यह समझ लीजिए। तो ऐसा इसलिए हुआ, उसका कारण, ईश्वर हमेशा सच्चाई अच्छाई का साथ देता है। जब कभी भी आप देखेंगे तो ईश्वर हमेशा सच्चाई का ही साथ देता है। आप लोग बताइए सच्चाई के मार्ग पर कौन था? सच्चाई के मार्ग पर हम इंडियंस थे। हम लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे थे और गुलाम बनाने का काम और मानवीय व्यवहार हम लोगों के साथ करने का, इन ह्यूमन बिहेव करने का काम कौन करता था? इंग्लिशमैन, अंग्रेज। तो इसलिए ईश्वर निश्चित सोचा होगा कि इंडियन सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर हैं, आपका साथ दिया, इंडियंस में यूनिटी दिया और अंग्रेजों की बर्बादी शुरू हो गई। तो इसलिए कहा जाएगा कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। यानी ईश्वर को हमेशा मंजूर होता है सच्चाई अच्छाई। जो सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर इंडियन थे और गलत मार्ग पर अंग्रेज थे, इसलिए ईश्वर आपका साथ दिया और एक समय आया अंग्रेजों को भगना पड़ा। कैसे भगना पड़ा, हम लोग आगे चलते हैं। अगस्त आफर क्या था इसको समझिए। देखिए अगस्त आफर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने व्यवस्था दिया था, ये डोमिनियन स्टेट, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा अधिराज्य। देखिए 1940 की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय परेशान तंग आ गई थी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार जो चल रहा था, इनकी हालत बिगड़ चुकी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियंस गुलाम जरूर हैं बट बड़े हिम्मती हैं, बड़े बहादुर हैं। तो इन्होंने सोचा किस समय वर्ल्ड वार में इनका सहयोग लेते हैं, और इसी लालच में इन्होंने क्या किया, अगस्त ऑफर दिया। अगस्त ऑफर में इन्होंने व्यवस्था दिया कि इस समय वर्ल्ड वार चल रहा है, आप इंडियन सभी हमारी सरकार को वर्ल्ड वार में हेल्प करें, और जैसे वर्ल्ड वार समाप्त होगा इंडिया को हम बफर स्टेट, सॉरी इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जो कंप्लीटली फ्री, आजाद नहीं होगा, उस पर कंट्रोल होगा बट पार्शियली। तो बिल्कुल गुलाम भारत नहीं होगा, मामूली सा उस पर कंट्रोल ब्रिटिशर का होगा, काफी हद तक आजादी मिलेगी बट कंप्लीट आजादी भी इसको नहीं कहते। यह है डोमिनियन स्टेट अधिराज्य। इंडियंस पब्लिक को ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने धोखे, इतने फर्जी आश्वासन दे चुके थे कि इंडियंस पब्लिक के भरोसे टूट चुके थे। इसलिए इंडियंस लीडर, इंडियंस पब्लिक इस आश्वासन में आने वाले नहीं, भरोसे में आने वाले नहीं। इंडियंस पब्लिक ने इनका डिनाई किया और प्रदर्शन जबरदस्त तेज कर दिया। आपको मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई। डरने का कारण क्या कि इन्होंने हमको जो ऑफर दिया, जो आज तक हमारी डिमांड पर डिनाई करते थे, अब स्वयं हमको ऑफर दिए, इसका मतलब इंडियन पब्लिक समझ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डर रही है। और ध्यान दीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि दुश्मन डर गया, तो क्या आपकी हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी, बोलिएगा, आप क्या कहेंगे? तो आप यही कहेंगे कि ऐसे परिस्थिति में जब दुश्मन डर रहा हो तो हमारी आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। मंजेश का थोड़ा सा कमेंट पढ़े, सर मुझे क्लास बदलना है, मुझे साइंस स्पेशल बैच लगाना है। तो आप जो नंबर आपको मंजेश मिला है, उस नंबर पर, ऑफिस के नंबर पर फोन करेंगे, आपको सुविधा मिल जाएगी, आप इसके लिए टेंशन ना लें, तो आप उस पर फोन करके बात कर लें, ठीक है। और गुरुचरण शर्मा जी का, बहुत टाइम खराब होता है। किस टाइम, किस तरह से गुरुचरण खराब होता है टाइम, कैसे खराब होगा टाइम, किसमें खराब होता है? आप गुरुचरण अपने विचार दीजिए प्लीज, तभी तो हम समझेंगे आपका टाइम कैसे खराब हुआ। क्या सिस्टम में गड़बड़ी के कारण? तो वो तो मैं पहले ही गलती मान चुका हूं, सिस्टम में गड़बड़ी के कारण यही टाइम खराब होने का कारण हो सकता है। टेक्निकल फॉल्ट था कुछ कमी, और ये ट्रैफिक के कारण हुआ। अब हम लोग उनको बोल दिए हैं, सिस्टम जो चला रहे हैं, और काफी एडवांस कर लिए हैं, आगे आपका टाइम नहीं खराब होगा।
आपका टाइम खराब होना, हम टाइम्स के टीम सभी को काफी दुख है और पूरे टीम्स की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूं, माफी मांगता हूं इसके लिए। उम्मीद करते हैं आगे गुरुचरण जी ऐसा नहीं होगा, अच्छे ढंग से टेक्निकल सुविधाएं हम टीचर लोग भी प्रॉपर उचित समय पर रेगुलर क्लास लेंगे, आपको टाइम खराब अब नहीं होगा। ठीक है गुरुचरण, आप आगे कह रहे हैं ये बफरिंग ही टाइम खराब, अच्छा बफरिंग हो रहा है, ठीक है मैं देख रहा हूं, अभी टेक्निकल स्टाफ को बुला रहा हूं। देखिए बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग हो रहा है, अब आप लोग बताइए कि अब बफरिंग ठीक हो गया कि अभी भी है, अगर ठीक हो गया हो तो मैं क्लास कंटिन्यू करूं, बफरिंग ठीक हो गया अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो बफरिंग, नो बफरिंग अब ठीक हो गया। ठीक है बच्चों आइए अब क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक हो गया तो इस प्रकार से इन्होंने ये व्यवस्था दिया और इन्होंने होप किया कि इंडियंस हमारे फेवर में लड़ेंगे दुश्मन से और जब हम मजबूत पड़ेंगे तो आफ्टर वर्ल्ड वार इनका यही था कि कोई सुविधा नहीं गएंगे, इनको गुलाम बनाकर रखेंगे, इंडियंस इनके आसपासन में नहीं आए, दमदारी से लड़े, जब बहुत दमदारी से लड़े तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत और बिगड़ गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत ही क्लेबर बहुत चलाक कैबिनेट मिनिस्टर था, उस कैबिनेट मिनिस्टर का नाम था लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्या सोचा कि एक मिशन सेटअप करते हैं और अपने चालाक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर के नेतृत्व में इस मिशन को भेजते हैं और उस मिशन का नाम उसी के नाम पर पड़ा क्रिप्स मिशन। उद्देश्य क्या था भेजने का, मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा, यह 1942 की बात है। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मिशन भेजा, इस मिशन का नेम था क्रिप्स मिशन। तो इस मिशन का नेम था क्रिप्स मिशन और इसका नेतृत्व संभाल रहा था लॉर्ड क्रिप्स, इसलिए इसी के नाम पर मिशन का नाम पड़ा क्रिप्स मिशन। तो यह था क्रिप्स मिशन लॉर्ड क्रिप्स। इस मिशन का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, नेतृत्व कर रहा था। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ही ब्रिलियंट कैबिनेट मिनिस्टर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड यानी प्राइम मिनिस्टर ने इनको समझाए, लॉर्ड क्रिप्स हमारी गवर्नमेंट के सबसे ब्रिलियंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके नेतृत्व में एक मिशन हम भेज रहे हैं। और जिम्मेदारी क्या दिया, समझाया इनको, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको समझाया कि इंडियंस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ अच्छाइयां हैं, इंडियंस बड़े बहादुर हैं, इनकी पॉजिटिव पॉइंट, बड़े हिम्मती और बड़ी इनमें यूनिटी है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है, इनमें गजब की नेशनलिटी है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट इंडियंस के लिए। बट निगेटिव पॉइंट भी इनमें है, इंडियंस को हम लोग इतना धोखा देते हैं फिर भी विश्वास कर लेते हैं, इंडियंस बड़े भोले भाले सीधे साधे हैं। तो यह सब इनकी निगेटिव पॉइंट है, इन्हीं निगेटिविटी का फायदा लेना है। आप इंडिया जाइए, आपके लीडरशिप में मिशन जा रही है, आप इंडिया में जहां भी चाहे सरकार हमारी है, जहां भी चाहे आप मंच लगवाकर स्पीच भाषण दीजिएगा और भाषण में लॉर्ड क्रिप्स एक बात को हाईलाइट कीजिएगा, और भाषण में एक बात को हाईलाइट करते हुए बोलिएगा कि इंडियंस आप टेंशन ना लें, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके लिए डिसीजन ले चुकी है। क्या डिसीजन लिया है, इस समय वर्ल्ड वार चल रहा है, आप वर्ल्ड वार में
हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग कीजिए। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कंप्लीटली अथॉरिटी हैंड ओवर कर दी, पूरी तरह से भारत को आजाद कर दी। जब इंडियन से बातें सुनेंगे तो बस उन्हें भरोसा विश्वास हो जाएगा, क्योंकि भोले भाले हैं। और भरोसा विश्वास जब होगा तो ये लड़ना बंद कर देंगे, और जैसे लड़ना बंद किए इंडियंस को पीट पाट कर सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाएंगे। इसी थिंकिंग के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बस ये एसटीडी तैयार किया। लॉर्ड क्रिप्स आए, जहां भी स्पीच भाषण दे रहे हैं, 10 वर्ष का बच्चा हो या 90 इयर्स का ओल्ड हो या आप जैसा नौजवान हो, सबने एक आवाज दिया, लॉर्ड क्रिप्स वापस जाओ, लॉर्ड क्रिप्स वापस जाओ। इंसल्ट होकर लॉर्ड क्रिप्स बैक टू पवेलियन लंदन चला गया। बट ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड क्रिप्स बहुत ही ब्रिलियंट कैबिनेट मिनिस्टर था। आपकी हौसला, आपकी हिम्मत, आपकी जज्बा, आपकी नेशनलिटी बहुत नजदीक से अपने मन से देखा था। उसने कोई न्यूज़पेपर में यह नहीं पढ़ा, उसने कहीं ट्रांजिस्टर से नहीं सुना, आकाशवाणी से स्वयं आपकी हिम्मत हौसले जज्बे को देखा। यानी अच्छी तरह समझ किया कि इंडियंस में वह जज्बा हौसला नेशनलिटी है जो ब्रिटिशर किया दुनिया की ताकत इनको फ्यूचर में अब गुलाम नहीं बना पाएगी। निश्चित रूप से लॉर्ड क्रिप्स जाकर के रिपोर्ट दिया होगा कि इंडिया को गुलाम बनाना संभव नहीं है। बड़ी हिम्मत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इसी थिंकिंग के साथ भारत में एक मिशन भेजा, दूसरा मिशन, और इस मिशन का नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, कैबिनेट मिशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आपके कंट्री में भेज दिया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके कंट्री में भेजा कैबिनेट मिशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया कंट्री में भेजा ये मिशन, मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, तेरा मार्कर में इंक थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा। कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिशन का नाम दिया कैबिनेट मिशन। और यह मिशन इंडिया आया मार्च 1946 में। ये कैबिनेट मिशन के मेंबर इस प्रकार से थे, इनके मेंबर थे, जैसे नंबर फर्स्ट पेंथिक लॉरेंस, नंबर नेक्स्ट मेंबर स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर नेक्स्ट मेंबर एबी अलेक्जेंडर, तो ये सभी मिशन के मेंबर थे, ये सभी कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। इस मिशन का नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन क्यों दिया समझिएगा। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन ने इसका नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन इसीलिए दिया क्योंकि ऑल थ्री मेंबर्स ऑफ दिस मिशन, वीडियो रुक रहा है, वीडियो क्यों रुक रहा है, अच्छा दो मिनट आ जाइए, वीडियो रोक रहा है, बस तीन चार मिनट देख लिया जाए।
ठीक है, अब वीडियो तो नहीं रुक रहा है, बताइए आप लोग वीडियो ठीक हो गया? ओके, चलिए अब सही है तो आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, 2-4 मिनट वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिशन था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन आपके कंट्री में आया मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन इसका नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों दिया समझिएगा। ऑल थ्री मेंबर्स ऑफ दिस मिशन, इस मिशन के सभी तीनों सदस्य उस समय ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे। कोई सामान्य ब्रिटिशर नहीं था, कोई सामान्य अंग्रेज नहीं था, सभी ब्रिटिशर एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मिशन का नेम दिया कैबिनेट मिशन, इसी कारण से। और जैसे ही यह मिशन इंडिया आया, उसके पहले की बात मैं बता दूं, देखिए एसएससी कमीशन ने पूछा है इस मिशन का हेड कौन था, तो इस मिशन का हेड था पेंथिक लॉरेंस। कमीशन यहां से क्वेश्चन एसएससी कमीशन जो पूछा है, इस मिशन का हेड आपका जवाब हो गया। यहां से एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, लोअर पीसीएस यूपी में भी क्वेश्चन पूछा है, एक मेंबर का नाम दिया था एबी अलेक्जेंडर, थ्री अदर नेम एबीसीडी थे। आपसे कमीशन पूछा था इनमें से कौन सा एक मेंबर कैबिनेट मिशन का मेंबर था, और सीपीयू में इस तरह से पूछा गया है, तीनों मेंबर का नेम दिया था एक अदर मेंबर, चार ऑप्शन में से पूछा था कौन इसमें से कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहां से हुए हैं। और कैबिनेट मिशन जब आपके कंट्री इंडिया आया, तो जब इंडिया आया इनके सामने मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि इंडिया के लिए सेपरेट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और पाकिस्तान के लिए सेपरेट। जब ऐसा डिमांड मुस्लिम लीग किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी खुशी हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुशी इस बात पर हुई जब क्रिस मिशन इंडिया आया, स्पीच भाषण दिया, बट इंडियंस को अच्छा नहीं लगा, विरोध प्रदर्शन हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि इंडियंस को गुलाम बनाना संभव नहीं है। लेकिन जब जो है मुस्लिम लीग इस तरह से डिमांड किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी खुशी हुई कि जाते जाते अब इंडियंस बर्बाद हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। बट मुस्लिम लीग जैसे ही इस्ट ने डिमांड किया कि इंडिया पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, मुस्लिम लीग के इस डिमांड का जबरदस्त विरोध किया था INC ने। INC जब विरोध किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सच्चाई को समझ गई कि मुस्लिम लीग का मीनिंग है इनके पीछे बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीनिंग है कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, भारत की आम जनता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि INC के पीछे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और मुस्लिम लीग के पीछे बहुत थोड़ी सी जनसंख्या, तो समझ गई कि इंडिया पाक डिवीजन के लिए आज अगर डिवीजन करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, तो इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इसका विरोध करेगी कि हमें अपना एक्ट लॉ वापस लेना पड़ेगा। इसलिए इसी थिंकिंग के साथ उन्होंने ऐसा सोचा कि फ्यूचर में परिस्थिति को देखते हुए हम निर्णय लेंगे, अभी नहीं। और फिर तरह से जब INC ये कैबिनेट मिशन इंडिया आई और इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन INC ने इनका सपोर्ट मुस्लिम लीग का नहीं दिया, तो फिर कैबिनेट मिशन ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे पर्सनली डिस्कस मीटिंग किया, INC के भी बड़े लीडर से डिस्कस मीटिंग किया, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से इन्होंने डिस्कस मीटिंग करके और कैबिनेट मिशन फिर क्या किया, अपना रिपोर्ट तैयार किया। और कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट तैयार किया था, यह समय था 16 मई 1946, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट दिया। आज का टाइम आप बच्चों हो गया है, इसलिए आज क्लास मैं यहीं रोकना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो आगे की कहानी आपसे शेयर करूंगा कि किस किस तरह से ये इन्होंने रिपोर्ट में क्या बातें दिया और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से संबंधित क्या क्या बातें, आगे डिस्प्यूट बढ़ा तो किस तरह से, और किस तरह से इंडिया पाक डिवीजन हुआ, ये सारी बातें मैं आगे करूंगा। आज भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जो दिक्कत हुआ, मैं टेक्निकल स्टाफ से बात करूंगा कि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसी वादा के साथ प्यारे बच्चों,
आज मैं अपना क्लास स्टॉप करता हूं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।